अभी बैंगलोर में ऐसा वेदर है ना, मुझे लगता है सो विल ऑर्डर सम स्टिकर और हम लोग पूरा स्टिक कर देंगे। आठ बज के 10 मिनट हुआ और धूम बारिश। मैं जस्ट नहा के आई और अब भी बारिश आना था कि 10 मिनट पहले आता तो मैं भीग लेती, बट एनी वे बारिश बहुत ज़रूरी था इस गर्मी में। इवन इन बैंगलोर ऑल्सो कैन नॉट टॉलरेट इन रेन, बट आज थोड़ा टेम्परेचर डाउन था, इतना गर्मी नहीं था, बट मुझे थोड़ा बारिश में भीगना था यार। बारिश इतना अच्छा हो रहा था तो मैं ना सो गई अच्छे से एकदम, और मैं अभी ऐसी जगह में बैठी हूँ, इधर से मेन डोर जो खुला दिख रहा है और इस तरफ से ये डोर भी खुला है, तो हमारा ये पैसेज से ना एयर पासिंग बहुत अच्छा होता है और थोड़ा ठंडा ठंडा हवा भी आ रहा है। तो मैं सो गया था, फिर साउंड में नींद खुला, देखा कि अभी भी बारिश हो रहा है, तो मुझे तो अच्छा लगा इस तरफ बारिश होने से रात को सो पाएंगे। अभी बैंगलोर में ऐसा वेदर है ना, मुझे लगता है एसी ज़रूरत है, बिना एसी का नहीं सो सकते। इडली खा ली थी मैंने, उतना भूख नहीं लगा, रात को थोड़ा सा चावल खाऊंगी। रात को ना तो कुछ हैवी चीज़ खाने के लिए डर लगता है कि अगर बाय चांस डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एज अभी डाइजेशन जो सिस्टम है वो बहुत वीक है मेरा, नॉट मेरा मतलब हर प्रेगनेंट, मोस्टली प्रेगनेंसी टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे ना कुछ भी हैवी कुछ खा लो रात को और खा के अगर सो गया तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है और इंस्टेंट मेरा वॉमिटिंग चालू हो जाएगा। सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क। बबन तो आज घर में खाना खाएंगे बोला, तो बबन के लिए थोड़ा सा राइस बना लूँगी, हो जाएगा। मैं सोचा बाहर जाऊँ, बाहर भी नहीं जा पाया कि बारिश के चक्कर में, थोड़ा सा काम पेंडिंग है वो ख़त्म कर लेती हूँ। सो ये क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, तो अर्बन क्लब से हम लोगों ने कुछ सर्विस बुलाया क्योंकि हमारा जो वाटर प्योरीफायर है ये इतना दिन से सेट नहीं था। हम लोग बाहर से बैरल में लाइक 20 लीटर जार में पानी खरीद के यूज़ कर रहे थे, तो बबन ने बोला अभी उसके लिए थोड़ा टफ हो रहा है लेके जाने के लिए, तो अर्बन क्लब से हम लोग सर्विस बुक के अपॉइंटमेंट लिया और सुबह सुबह आके हम लोग फिक्स करके दे के जा रहा है, तो अभी पानी का ना कुछ और प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एडिटिंग डन, अभी फाइल अपलोड हो रहा है, उसके बाद यूट्यूब में जाके अपलोड होगा। थोड़ा चेंजेस, बबन बोला रोटी नहीं खाएगा, उसको भात खाना है क्योंकि कल ठीक से रात को भात नहीं खाए वो, और इधर बन रहा है सब्जी। बबन आज लंच करके ही जाएंगे तो इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, बबन के चक्कर में मेरा भी लंच हो जाएगा। मोस्टली मैं ना लंच स्किप कर लेती हूँ बनाने के चक्कर में, लेजीनेस के चक्कर में। तो ये सब्जी ना बबन का बहुत फेवरेट है, मुझे उतना पसंद नहीं है बट स्टिल बबन के लिए बनाती हूँ, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, खा लेते हैं। तो अब दाल बन रहा है, ऑलमोस्ट हो गया, और आज बना रही हूँ थोड़ा प्रॉन का पकौड़ा, मुझे थोड़ा खाने का मन कर रहा है और फ्राइड और दाल के साथ अच्छा लगेगा। तो अभी चल रहा है मेरा 29 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सीरियसली धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते जा रहा है, और अभी खाना भी बन गया, बबन के लिए खाना सर्व कर देती हूँ, और ऐसा खाना मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सब्जी दाल रेगुलर जैसे खाना, तो उसके लिए डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। टू पीपल इन आवर होम, और इतना सारा टूथब्रश, इसको सब फेंकना है, पर फेंको या रख दो, कभी कभी थोड़ा कुछ क्लीन करने का भी काम आता है। हमारा किचन का सेटअप तो चेंज किया ना, तो इसके लिए पहले तो किचन जो खाना बनाने का जो एयर है, क्योंकि हमारे पास एक्सस्ट नहीं है और तो इधर से पास होता था, तो अभी पास नहीं हो पाएगा, तो ये एरिया जो ना चिपट चिपट मतलब पूरा एकदम स्टिकी स्टिकी होने लगेगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, ये एरिया के लिए ना एक कवर मंगाएंगे, जो रैप आता है ना स्टिकर, सो विल ऑर्डर सम स्टिकर और हम लोग पूरा स्टिक कर देंगे, अलग में ये जो एरिया है ये भी कवर हो जाएगा, सो दैट इट विल लुक नाइस आई थिंक सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किचन सेटअप करने के बाद थोड़ा खूबसूरत और सुंदर दिख रहा है,
तो ये जो एरिया है इसको मेंटेन करना भी इजी होगा, हम लोग स्टिकर अगर लगा देंगे तो उसमें क्या होगा, मेंटेन करना भी इजी होगा और उसमें आग नहीं लगता है। सो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि अदरवाइज ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, इसमें तेल छीटे जाते जाते ये ब्लॉक भी हो सकता है और कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, एनी काइंड ऑफ रिस्क। सो ये एरिया हम लोग कवर कर देंगे। तो अभी मैं ऑर्डर करूँगी, कौन सा कलर ऑर्डर करूँ, कुछ लाइट कलर ही अच्छा लगेगा आई थिंक सो। शाम को ना मैं चली गई थी, थोड़ा बाहर को सामान भी लाना था। और ये ताल बोलते हैं हम लोग, और गर्मी के टाइम पे ना बैंगलोर में तो मोस्टली पूरी साल भर ही मिलता है, बट इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हर गली में अवेलेबल होता है, तो मैंने एक लिया। तो ये जो ताल है ना, इसको 40 रुपीज़ में पूरा आपको कट करके देंगे। उसके अंदर दो रहे, तीन रहे, वो आपका है। तो मोस्टली 3 पीसेस ही रहता है, 3 पीसेस कॉस्ट 40 रुपीज़। इट्स गुड डिसेंट, और गर्मी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर जो स्वीट वाटर होता है ना, वो बहुत टेस्टी है। इसके बाद लिया मैं ग्रोसरी सामान थोड़ा बहुत, और आज का ब्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट कोई ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।